नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं अजीत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 2022 में इंटरमीडिएट यानी कि इंटर का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ बदलाव कर दिया गया है, यानी कि परीक्षा में जो है कुछ चेंजिंग कर दिया गया है, जो कि आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो जो भी आपको कॉपी वगैरह दिया जाएगा सब में कुछ चेंजिंग कर दिया गया है, तो सारा जानकारी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप परीक्षार्थी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। पेपर कटिंग है जो कि आज ही का हिंदुस्तान पेपर का है, देख सकते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है, उत्तर पुस्तिकाओं के संख्याओं के अनुरूप होगा रोल नंबर। यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं किस तरीके से आपको परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका मिलने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटर परीक्षा है, इंटर परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या के अनुसार ही छात्र को रोल नंबर होगा, यानी कि दोस्तों आपके रोल नंबर जो है उत्तर पुस्तिकाओं के अनुसार ही रहेगा। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेंच डेस्क पर परीक्षार्थी को उसी तरह से बैठेंगे जिस तरह उत्तर पुस्तिका का पत्रक होगा, यानी कि दोस्तों आपको जो है बैठना भी है, जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा उसी के अनुसार। और बिहार बोर्ड द्वारा सभी परीक्षार्थी के केंद्रों को निर्देश दे दिया गया है, यानी कि जो जहां भी परीक्षा आपका होने वाला है निर्देश दे दिया गया है। बताया गया कि हर परीक्षार्थी के उत्तर पुस्तिका उपस्थिति के पत्रक और OMR के उत्तर पत्रक एक सीरियल नंबर में होगा, यानी कि दोस्तों आपको जो OMR सीट है उसके बाद उत्तर पुस्तिका है, उसके बाद दोस्तों आपका जो सीट है दोनों एक सीरियल नंबर से होगा। इसके लिए जो है किसी भी तरह का जो है उलट फेर या गड़बड़ी नहीं होने की संभावना होगी, यानी कि दोस्तों आपका जो है कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा और गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि पहले से प्लानिंग है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, समझ में आपको आ जाएगा। ज्ञात हो कि इंटर परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक चलेगी और इससे पहले 10 से 20 जनवरी 2022 तक जो है प्रायोगिक परीक्षा होने वाला है, यानी कि आपको पता ही है कि 10 तारीख से 20 तारीख तक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है। बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है जो कि आपको कॉलेज में मिल रहा है। प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए शेड्यूल जो है कॉलेज स्कूल खुद तैयार करेगा, इसमें बोर्ड द्वारा नहीं बताया गया है। और जिस दिन को छात्र का प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी उसी दिन अंक भी बोर्ड के पास अपलोड करना होगा, यानी कि दोस्तों आपका जो नंबर दिया जाएगा प्रायोगिक परीक्षा में वो जो है बोर्ड को उसी दिन जो है भेज देना होगा। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है देख लीजिए, बोर्ड द्वारा OMR उत्तर पुस्तिका पर जो है उत्तर पुस्तिका के संख्या भी रहेगा, इससे जो है छात्र को उनके उत्तर पुस्तिका के संख्या के अनुसार ही OMR दिया जाएगा, यानी कि जो है दोनों का संख्या सेम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है OMR सीट पर परीक्षार्थी का जो है नाम, रोल नंबर, अभिभावक का नाम आदि लिखने में किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो, इसके लिए दोस्तों बोर्ड द्वारा जो है परीक्षार्थी का ये सारा डिटेल जो है प्रिंटेड रहेगा, यानी कि दोस्तों आपको रोल नंबर जो भी है, नाम वगैरह, परीक्षा केंद्र, ये सब उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। आपको सिर्फ वहाँ पे जो है मतलब आंसर देना है और साइन वगैरह करना रहता है। तो यही दोस्तों जानकारी था जो कि पूरी तरीके से चेंजिंग कर दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।